नाउ रिग्रेशन लेक्चर नंबर थ्री प्रॉपर्टी नंबर थर्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन अनचेंज्ड ड्यू टू चेंज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब यदि आप ओरिजिन शिफ्ट करेंगे तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, बट इट चेंजेस ड्यू टू शिफ्ट ऑफ स्केल। लेकिन यदि हम स्केल चेंज करेंगे तो उस पर फर्क पड़ेगा। सपोज इफ यू इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन टी और आपका वी और वाई में रिलेशन है v equal to y minus v upon q, then v x y this is equal to p by q v u v and v y x equal to q by p v v u। तो ये हमारी प्रॉपर्टी, अब इस पे प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फोर, इफ r equal to 1 for r equal to minus 1, यदि r का वैल्यू 1 है या minus 1 है तो रिग्रेशन लाइन आपस में कोइंसाइड करेगी, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। इस तरह ये आपकी x1 y भी होगी और y1 x भी होगी। If r equal to 0, then regression line perpendicular to each other। और यदि r equal to 0 है तो perpendicular line होगी आपकी regression line। अब देखिए बेटा, probable error की बात करते हैं। probable error आपका last topic है इसका। probable error क्या होता है? The coefficient of correlation calculated from the sample n pairs of variable। यदि आपके n pairs of variable है, sample बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से हमने कुछ सैंपल ले लिए, एन सैंपल ऑफ पेयर्स, और उसका मैंने कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाला, तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबल एरर। नाउ व्हाट इज प्रोबेबल एरर? द प्रोबेबल एरर इज गिवन बाय 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन। एन क्या है आपका? नंबर ऑफ सैंपल्स। आर क्या है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। स्टैंडर्ड एरर 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन। इसका मतलब जो प्रोबेबल एरर है वो 2/3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर होगा। अब यदि हम हमने प्रोबेबल एरर निकाल लिया तो बेटा मैं उसका लिमिट निकाल सकता हूँ कि आपका जो पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो किस किस के बीच में लाई करेगा। तो उसको हम बोलेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन विल बी इक्वल टू आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर। ये हमारी इसकी लिमिट हो गई कि भाई इस लिमिट में स्टार्ट होगा। अब देखिए आपका कोरिलेशन कब एग्जिस्ट करेगा, कब नहीं करेगा। यदि आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट प्रोबेबल एरर से कम आ रहा तो बेटा देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ कोरिलेशन। लेकिन यदि आपका आर का वैल्यू ग्रेटर देन 6 आ रहा है, प्रोबेबल एरर के 6 टाइम से ज्यादा आ रहा है, तो प्रेजेंस ऑफ कोरिलेशन इज सर्टेन। आपका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो पक्का है कि वो एग्जिस्ट करेगा। अब हम इस पर कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड और प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम ले रहे इस पर किस तरह की प्रॉब्लम बनती को देखते। पहले प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पे प्रॉब्लम ले लेते हैं। देखिए यस the relationship between u and x, या x and u is u plus 3x equal to 10 and between y and v is 2y plus 5v equal to 25 and the regression coefficient y on x is 0.80, then find the regression coefficient v on u. तो हमें वी ऑन यू निकालना। अब देखिए बेटा, हमारे पास है यू प्लस 3x इक्वल टू 10, तो मैंने ले लिया यू इक्वल टू माइनस 3x प्लस 10। बेटा जो इसका स्केल है पी, ये x का जो भी मल्टीपल है उसका उल्टा आएगा, तो हमारा पी आ गया -1/3। नाउ 2y प्लस 5v इक्वल टू 25,
हमारे पास आ गया 5v इक्वल टू माइनस 2y प्लस 25, 5 से कैंसिल कर दीजिए, माइनस 2 बाय 5y प्लस 5, तो जो इसका रिग्रेशन कोफिशिएंट q है वो इसका उल्टा हो जाएगा y का उल्टा, तो ये हमारा p और q आ गया। अब मुझे पता है कि dyx इज इक्वल टू q बाय p dvu, तो बेटा dyx कितना आपका 0.80, q कितना है माइनस 5/2 और ये माइनस 1/3 और dvu, तो यहाँ से dvu आ गया 0.80 मल्टीप्लाइड बाय 2/15, 2/15 ये हमारा dvu आ गया 0.80 2/15, और यदि मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ तो ये हमारा आ गया 8/75, दिस इज dvu, ये हमारा dvu आ गया। वैसे इस तरह की प्रॉब्लम पूछी नहीं जाती लेकिन फिर भी आपका ये इस तरह से होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, प्रोबेबल एरर से हम प्रॉब्लम कर लेते हैं। इसमें आपको गिवन है कंप्यूट द प्रोबेबल एरर, कंप्यूट द प्रोबेबल एरर, अज्यूमिंग द कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.8 from a sample of 25 pairs of items। अब देखो ये हमारे को गिवन है, आर गिवन है 0.8 एंड कितना गिवन है आपको 25। अब हमें पता है प्रोबेबल एरर क्या होगा, प्रोबेबल एरर होगा आपका 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट है, तो 0.6745 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर अपॉन रूट 25, तो यह आ गया 0.6745 1 माइनस 0.6436 अपॉन 5, और बेटा इस पूरे को यदि हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 0.0480 के करीब आ रही है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.40486, ये आपका प्रोबेबल एरर आ गया, दिस इज द प्रोबेबल एरर, ये हमारा प्रोबेबल एरर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, फॉर द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, फॉर द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई द रिग्रेशन लाइंस आर, द रिग्रेशन लाइंस आर, आपको रिग्रेशन लाइन्स गिवन है, पहली गिवन है 7x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस y माइनस 11 इक्वल टू 0। फर्स्ट फाइंड मीन ऑफ x एंड y, हमें मीन ऑफ x एंड y निकालना है, इसके ऑप्शंस गिवन है आपको x बार इक्वल टू 1, y बार इक्वल टू 3, x bar equal to 1, y bar equal to 1, x bar equal to 3, y bar equal to 1 and x bar equal to 3, y bar equal to 3, ये हमारे इसके mean given, these are the mean of x and y, ये हमारा mean of x and y होगा। second आपको निकालना है regression line, regression line x on 1, थर्ड हमें निकालना है कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, फोर्थ हमें निकालना है यदि वेरिएंस ऑफ एक्स इज 9, वेरिएंस गिवन है आपको, वेरिएंस ऑफ एक्स इज 9 देन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमें निकालना है, और लास्ट हमें निकालना है एस एक्स अपॉन एस वाई का रेशियो, हमें एस एक्स अपॉन एस वाई का रेशियो निकालना है, ये हमें कुछ पार्ट इसमें कंप्लीट करना है, तो एक एक करके लेते हैं बेटा।
पहला है, सबसे पहले हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे वो समझिए, अर्थमेटिक मीन किस तरह से निकालेंगे वो समझिए, हाउ टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए फर्स्ट हमारी लाइन है 7x-3y-18=0, 4x-y-11=0। ऑप्शन है, हमने क्या बोला था, वैल्यू रख के देखिए, एक्स की वैल्यू 1 रखो, वाई की वैल्यू 1 रखो, ये आ रहा हमारा 7-21 नॉट इक्वल टू 0, ये तो गलत है, ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन एक्स बार इक्वल टू 1, एक्स बार इक्वल टू 1 एंड वाई बार इक्वल टू 1, एक्स बार, अच्छा ये वाई बार 3 था सॉरी, ये आ गया 9 -18, ये भी 0 के इक्वल है, तो ये दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, ये भी गलत है। नाउ एक्स बार इक्वल टू 3, एक्स की जगह 3, वाई की जगह 1, यस ये 0 के इक्वल आ रहा है। तो दूसरी क्वेश्चन में रख के देखो, 4×3-1-11, ये भी 0 के इक्वल आ रहा है, सो आंसर इज एक्स बार इक्वल टू 3, वाई बार इक्वल टू 1। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, इस तरह से ये पहला पार्ट है। अब सेकंड पार्ट करने के लिए हमने क्या बोला था, सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट लेट ये एक्स ऑन वन, एक्स ऑन वाई इक्वेशन इज 7x-3y-18=0। तो हमने बोला यदि एक्स एंड वाई है तो बी एक्स वाई वाई उधर जाएगा तो 3/7, कल समझा दिया आपको लास्ट क्लास में, 4x-y-11=0। तो इसका बी वाई एक्स, वाई इधर रहेगा एक्स उधर जाएगा, तो -4/-1 4 आ गया। अब हम बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, नाउ दिस इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब ये गलत है, ये हमने गलत सपोज किया है, सो देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स ऑन वाई is 4x-y-11=0 और bxy आ गया आपका 1/4 and regression equation y on x आ गया आपका 7x-3y-18=0 और byx आ गया आपका 7/3। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट आ गया, दिस इज द सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट आने के बाद हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, वी हैव टू फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो थर्ड पार्ट देखिए, आर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं इसलिए पॉजिटिव होंगे, बी एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय बी वाई एक्स 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 7/3 7/12, नाउ दिस इज आर, ये हमारा इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट आ गया। अब इसको स्क्वायर रूट करके वैल्यू निकाल लेना पॉइंट में, फोर्थ हमसे क्या बोला जा रहा है वो समझिए, फोर्थ में हमें वेरिएंस ऑफ एक्स 9 गिवन है, तो यदि वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन 9 है तो स्टैंडर्ड एक्स आपका 3 आ गया। अब मैं आपका कोई सा भी वैल्यू ले लो, जैसे बी वाई एक्स ले लिया, आर एस वाई अपॉन एस एक्स, ये फॉर्मूला लगा दिया, बी वाई एक्स का वैल्यू आ रहा है हमारा 7/3, आर का वैल्यू हमारा आ रहा है √7/12 और एस वाई है आपको निकालना है और एस एक्स है 3, स्क्वायर कर दीजिए 49/9 7/12 एस वाई स्क्वायर अपॉन 9। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो एस वाई स्क्वायर आपका 84 आ गया, तो एस वाई आपका √84 9 समथिंग आ जाएगा आपका √84। ये हमारा वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो देखिए क्या है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और वाई का रेशियो निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई।
अब बेटा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई का यदि आपको रेशियो निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई अपॉन बी वाई एक्स। अब ये कैसा है ये मैं तुम्हें समझा देता हूं। भाई बी एक्स वाई होता है आर एस एक्स अपॉन एक्स वाई, बी वाई एक्स होता है आर एस वाई अपॉन एस एक्स। इनको डिवाइड कर दीजिए बेटा, आर से आर कैंसिल हो गया तो ये आ गया एस एक्स स्क्वायर अपॉन एस वाई स्क्वायर। तो यहां से हमारा एस एक्स अपॉन एस वाई आ गया अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई अपॉन बी वाई एक्स, ये हमारा इसका रेशियो आ गया। तो अब मुझे इसकी वैल्यू निकाली, देयरफॉर एस एक्स अपॉन एस वाई बी एक्स वाई हमारा कितना आ रहा था, बी एक्स वाई आ रहा था 1/4 डिवाइड बाय 7/3। तो ये आ गया हमारा बी एक्स वाई एस एक्स अपॉन एस वाई रूट 3 अपॉन 28, ये इसका रेशियो है अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 20। इस तरह से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब आपके लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा थ्योरेटिकल, उसको ध्यान से समझो। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट मैं लिख देता हूँ लेकिन समझ लीजिए पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है यदि हमने सपोज वेरिएबल एक्स और वाई का आपका कोरिलेटेड नहीं है, कोई भी कोरिलेशन नहीं, तो हम बोलेंगे उसका कोरिलेशन कोफिशिएंट जीरो है। लेकिन इसकी जगह यदि मैं उल्टा बोलूँ, यदि कोफिशिएंट और कोरिलेशन जीरो आ रहा है तो बेटा आप ये नहीं बोल सकते कि उन दोनों के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, मतलब इसका इन्वर्स ट्रू नहीं है। कैसे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या। पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है ये टू वेरिएबल्स, इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट और अनकोरिलेटेड देन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज जीरो बट कन्वर्स इज नॉट मीन नॉट टू बी ट्रू, नॉट टू बी ट्रू। इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज जीरो देन इट कैनॉट बी कंक्लूडेड दैट It cannot be concluded that variables are independent. Variables are independent. तो हम ये नहीं बोल सकते कि वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट होंगे। Although there is no linear relationship बिटवीन द वेरिएबल्स, जबकि उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा बिटवीन द वेरिएबल्स, ये आपका है पहला पॉइंट। यदि कोई भी दो वेरिएबल के बीच में कोई अनकोरिलेटेड इंडिपेंडेंट है तो हम बोलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जीरो है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने फाइंड आउट किया और वो जीरो आ रहा है तो बेटा आप ये नहीं बोल सकते कि उनके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, लेकिन आप ये बोलोगे कि उनके बीच में कोई भी नॉन लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट। नाउ सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट क्या होता है कि सपोज आपके दो वेरिएबल का आपने कोरिलेशन है और वो तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो थर्ड सेकंड पॉइंट इज देयर आर सम केसेस वेयर To find the correlation between two variables although
the variables are not causally related. Causally related. They are depending on the third variable. They are depending on the third variables. This is known as spurious, S-P-U-R-I-O-U-S, correlation. This is known as spurious correlation. अब देखो ये क्या होता है स्पीरियस कोरिलेशन, जब आपके दो वेरिएबल के बीच में आपने कोरिलेशन निकाला लेकिन वो दोनों वेरिएबल तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं कि पहला आपका हो गया कि द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन लास्ट 20 ईयर्स, दूसरा मैंने बोल दिया द प्रोडक्शन ऑफ आयरन इन लास्ट 20 ईयर्स। अब राइस और आयरन के बीच में मेरे को कोरिलेशन निकालना है लेकिन वो डिपेंड कर रहा है लास्ट 20 ईयर्स पे, तो दोनों इंक्रीज होंगे, मतलब राइस का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है और आपका आयरन का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, तो दीज टू आर कोरिलेटेड, लेकिन ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, दीज आर डिपेंडिंग ऑन द टाइम, तो दिस इज कॉल्ड स्पूरियस कोरिलेशन, इसको हम स्पूरियस कोरिलेशन बोलेंगे, ये आपका स्पूरियस कोरिलेशन होगा।